फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आज मैं बताऊंगा आप अपने फोटो जो एंड्रॉयड मोबाइल से खींचते हैं उनको आप 3-4-5 फोटो को सेलेक्ट कर किस तरह से गाने के साथ हिलने वाला स्टेटस बना पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे, उसकी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। छोटा सा वीडियो है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप किस तरह से अपने फोटो जो आपने मोबाइल से खींचे हुए हैं उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, काइन मास्टर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके ये काइन मास्टर ऐप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसे बंद करना होगा, स्किप कर देना। और यहाँ बीच में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर यूट्यूब का फोल्डर आपको 16.9 शो हो रहा है और आप अगर स्टेटस बनाना चाहते हैं 9.16 का आपको यहाँ फ्रेम दिख रहा है तो 9.16 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं इसको कट कर देता हूं और अपन सीधे आ गए गैलरी में। गैलरी में आपको यहां पर फोटो सेलेक्ट दिख रहे हैं आपको, तो यहां से आप 5 फोटो 3 फोटो 10 फोटो जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जितना आप वीडियो बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो बड़ा वीडियो, तो आप सारे फोटो को यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे तो ये नीचे आपके प्लस प्लस में सब फोटो एक जैसे सेट हो जाएंगे और आपके जो लेंथ होगी वीडियो की वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसको आप चला कर देखना चाहें तो आप इसे आगे बढ़ा कर देख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं लेयर पर तो लेयर पर आपको अब ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं वर्ड तो आप यहाँ से लिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखने के बाद में आपको आगे क्या करना उसकी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आप बहुत अच्छी तरीके से आप जो भी लिखना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें या बर्थडे का बनाना है तो बर्थडे के बारे में लिखना चाहें या कोई मैसेज लिखना चाहें, कोई शायरी लिखना चाहें, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पर फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से आप टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर अगर कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लोगो भी आप यहाँ से लगा पाएंगे। लोगो लगाने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ऑप्शन मिल जाता है और भी कुछ लिखना चाहें तो आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें साइज़ को तो आप स्क्रॉल कर यहाँ पर कर पाएंगे। ये एरो दिख रहा है, इस एरो पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसमें और साइज़ को अक्षर को बड़ा छोटा कर पाएंगे और आप इसमें अपना नाम या बर्थडे के बारे में या और कुछ भी मैसेज लिखना चाहे, सारे लिखना चाहे तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जितना आप लेना चाहते हैं स्क्रॉल करके आप इसको खींच कर आगे ले जा सकते हैं और जिस फोटो तक आपको लिखना है वहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद आप और कुछ लिखना चाहें तो फिर से इसमें इसी तरह से लिख पाएंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें अलग अलग फ़ोटो पर अलग अलग शायरी लिख पाएंगे, अलग अलग फ़ोटो पर अलग अलग नाम लिख पाएंगे, अलग अलग सिम्बॉल लगाना चाहें तो वो सिम्बॉल भी आप लगा पाएंगे जिस तरह से मैं यहाँ ऊपर नीचे बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आप अलग अलग फ़ोटो पे अलग अलग ये नाम और सिंबल लोगो जो भी लगाना चाहें आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर पाएंगे। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट बता दूँ, इसको मैं और लास्ट तक ले जाना चाहता हूँ तो इसको मैं स्क्रॉल कर आगे इसी पर क्लिक कर येलो येलो पे इसको लास्ट तक मैं खींच रहा हूँ। तो इस तरह आप भी अपने वीडियो में इसे लास्ट तक ले पाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में बना पाएंगे। अब आगे क्या करना है इसकी जानकारी मैं दूंगा तो आप वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसमें आप किस तरह से फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो डालकर आप इसमें और सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक किया और मीडिया पर क्लिक करेंगे। पहले हमने बाहर वाली मीडिया पर क्लिक किया था, अब अंदर वाली मीडिया लेयर में क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा तो ये फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो आ जाएगा। तो ये देखिए फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो आ गया है। इसमें आप यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एनिमेशन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। ये नन है यानी मतलब सेम फ़ोटो रहेगा। इसमें पॉप मिल जाता है आपको, इसी तरह राइट स्लाइड, राइट स्लाइड लेफ्ट, इस तरह काफ़ी सारे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जो भी ऑप्शन रखना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके वो फ़ोटो उस तरह से शो हो जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और आप अपने वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से और लोगों को बताने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके बता रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह आप अपने फ़ोटो को अलग अलग तरीके से जितना चाहे उतनी लास्ट तक ले जाना, लास्ट तक या थोड़ा सा रखना चाहे 2 सेकंड 5 सेकंड तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। फिर आप यहां से दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर से लेयर में जाकर फिर से मीडिया में जाएंगे और अपने गैलरी से जाकर फिर से एक नया फ़ोटो लेंगे और यहां पर फिर से आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको अलग अलग ये फ़ोटो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह इसे सेट कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। आप अपने वीडियो में ये देखिए आपको और अलग फंक्शन बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आपका वीडियो बहुत ही शानदार बनेगा और यहाँ पर
को उस पर क्लिक किया, ये मैं फिर से प्ले करके बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी इफेक्ट डाला था वो यहाँ शो हो रहा है। फिर से मैं लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ, मीडिया पर क्लिक किया, फिर से मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं अब आगे किस तरह से सेट करूँगा उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो आपको ये ओवरले एनिमेशन दिख रहा है, तो ओवरले एनिमेशन में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप फ़ोटो को आप इस तरह से जूम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो आपका शानदार बनेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको आगे और भी इसमें बताऊंगा। क्रोमा की अगर लगाना चाहें तो आप क्रोमा की को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्रोमा की को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इनेबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखते हैं फोटो में फ़ोटो मिक्स हो चुका है। अगर आपके बैकग्राउंड अगर ग्रीन हुआ तो आप क्रोमा की को बहुत अच्छी तरह काम ले पाएंगे। और यहाँ से फिर से एक मैं फोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ लेयर से, और इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ आप इसमें ये क्रॉपिंग किस तरह से कर पाएंगे। अगर आप फ़ोटो को छोटा करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रॉपिंग यहाँ पर आप मार्क करके ओपन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने वीडियो में इसको भी ऑप्शन को काम में ले पाएंगे। और अब ये मैं आपको ब्लेंडिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ आप अलग अलग तरीके से इसमें आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप यहाँ पर कर पाएंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने वीडियो में इस ऑप्शन को भी काम में ले पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस ऑप्शन को भी काम में ले पाएंगे। तो मैं अभी इस ऑप्शन को काम में नहीं लूँगा, तो मैं इसे यहाँ से बैक कर दूँगा और मैं आपको अगला ऑप्शन बताऊँगा। तो फिर से मैं आपको अब आगे क्या करना होगा उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं नीचे, तो आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह से आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये देखिए, ये आपको एग्जिट होने का फ़ोटो बता रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आप अपने फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसमें म्यूज़िक डालना चाहते हैं अपने वीडियो में तो आप अपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो गैलरी म्यूज़िक गैलरी में चले जाएंगे। और यहाँ पर आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक लेते हैं तो वो ले सकते हैं। और अगर आप दूसरा म्यूज़िक डालना चाहें तो वो भी यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी गाना सेलेक्ट करेंगे वो गाना आप यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करके अपने ऑडियो गैलरी से आप यहाँ पर सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है। तो यहाँ पर आपके फ़ोटो के साथ गाना भी चलता रहेगा ऑडियो। अगर आप बोल के देना चाहें तो आपको यहाँ पर बीच में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। इस मीडिया के नीचे रिकॉर्डिंग है, साइड में लेयर है इस गोल बटन में, साथ में ऑडियो है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से मैंने जैसे गाना ऐड किया है ऑडियो में जाकर, तो आप इस तरह से अपनी गैलरी से कोई भी गाना अपने जो शॉर्ट वीडियो बनाया है उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो आपके अगर गाना बड़ा होता है तो आप यहाँ पर आकर ये वीडियो रुक जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको म्यूज़िक जो लास्ट में दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इस पर क्लिक करना है। तो वहाँ से इसको आप काट लेंगे, काटने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा सेव हो जाएगा गाना और आप इसे एक्सपोर्टिंग कर पाएंगे और आप अपना वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से इसको लोगों को बता पाएंगे। उसकी पूरी जानकारी मैंने बताई है आपको। अब आगे क्या करना है उसको भी मैं बताऊंगा, आप किस तरह से इसे अब आगे आपको इसमें ये पूरा हो जाएगा एक्सपोर्टिंग। अगर आपका वीडियो बड़ा हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटा वीडियो है तो आपके एक मिनट या डेढ़ मिनट में आपके यहाँ पे हो जाएगा। और अगर कैंसिल करना चाहें तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा कैंसिल हो जाएगा। और आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसे प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ऐड आएगा पूरा होने के बाद। यहाँ क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप एमआई वीडियो में इसे प्ले कर देख पाएंगे। तो आपका ये वीडियो बन चुका है, मैंने अभी ऑडियो म्यूट किया हुआ है। अगर आपके ऑडियो म्यूट नहीं होगा तो आप अपने वीडियो के साथ ऑडियो भी सुन पाएंगे और ये आपने जो वीडियो बनाया है बहुत अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। आपको नीचे वर्ड भी दिख रहे हैं लिखे हुए, और इस तरह से आप अपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दिखा पाएंगे और आपको एक नया अनुभव होगा अपने शॉर्ट वीडियो बनाने में। और अगर आपने बर्थडे के बारे में बनाना चाहते हैं और इस तरह आप अपने स्टेटस के वीडियो बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को देख के बना पाएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी यहाँ पे आप अगर शेयर करना चाहें इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक या और कई प्लेटफॉर्म। वास्तव आप कहीं भी शेयर करना चाहें शेयर कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।